किया है कि अंग्रेज जो है वो भारत को किस तरह से लूट रहा है। मैं मान के चलता हूं जिसका अब उद्घाटन हुआ, दलित बंधु का जो उद्घाटन हुआ, ये थोड़े बहुत पैमाने पे इस थ्योरी ऑफ लूट को रोकने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि यहां जो प्रोडक्शन करने वाला है और बेचने वाला जो है वो यहां का दबा कुचला हुआ समाज नहीं है, दलित नहीं है, आदिवासी नहीं है, वो तो सिर्फ खरीदने वाला समाज है। आज उसमें भी एक व्यापार की भावना, कमर्शलाइजेशन आए, उसकी कोशिश की जा रही है। मैं उसकी सराहना करता हूं और मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस देश को आर्थिक दुर्बलता से, आर्थिक दुर्बलता से कैसे लड़ना चाहिए, आर्थिक दुर्बलता से कैसे लड़ना चाहिए और साथ साथ ये जो पॉवर्टी इलेवेशन का जो सरकार का कार्यक्रम है उसको एक नई दिशा देने की कोशिश की। इसलिए बाबा साहब की जयंती पर बाबा साहब के आर्थिक विचारों को आगे ले जाने के लिए मैं उनको दोबारा धन्यवाद देता हूं और अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। दोस्तों, देश को आजाद हुए 70 साल, लेकिन पूरी तरह से बाबा साहब आज भी लोगों के सामने आए नहीं। हम लोग यही समझते हैं, हम लोग यही समझते हैं कि बाबा साहब का जो कार्य रहा है, समाज कार्य रहा है, ये दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, आरक्षण के लिए ही रहा है, ऐसी परिस्थिति है। ये बात जरूर है कि उनका फोकस जो था, बाबा साहब का पूरा फोकस जो था वो पूरा फोकस इलिवेशन जो है, दलितों का इलिवेशन करना, आदिवासियों का इलिवेशन करना, और यहां हम लोगों को एक ही माइनॉरिटी दिखाई देती है, वो रिलीजियस माइनॉरिटी दिखाई देती है। इस देश में सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटी नहीं है, इस देश में कम्युनिटी माइनॉरिटी भी है। लोहार है, कुम्हार है, सोनार है, ऐसे कई समाज में गिन सकता हूं कि जिनके गांव में सब 2 या 4 या 5 या 10 घर होंगे, उससे ज्यादा नहीं है। और बाबा साहब ने कहा कि जैसे एक रिलीजियस माइनॉरिटी है, उसी तरह से यहां एक कम्युनिटी माइनॉरिटी भी है, और इस कम्युनिटी की हिफाजत करना है, इस कम्युनिटी माइनॉरिटी की हिफाजत करना है। तो उन्होंने 1956 में जब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमिटी बनी थी तो उसको एक न्योता दिया था और कहा था कि स्टेट शुड बी रिऑर्गेनाइज नॉट ऑन द बेसिस, स्टेट शुड नॉट बी रिऑर्गेनाइज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, राज्य जो है वो भाषा पर आधारित नहीं होना चाहिए। अगर स्टेट रिऑर्गेनाइज आपको करना है तो पहला उसका वायबिलिटी आपको देखना है, इकोनॉमिक वायबिलिटी आपको उसकी देखनी है, उसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज उसको आपको देखनी है, और उसके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनता है कि नहीं बनता है ये आपको देखना है। 55-56 की बात थी। मैं यहां एक व्यक्ति का नाम लूंगा, पुट्टी श्री रामलू जी का, कि जिन्होंने आंध्र प्रदेश बनाने के लिए अपना बलिदान दिया। जब तक यहां बलिदान नहीं दिया जाता था तब तक कोई राज्य या कोई सवाल हल नहीं होती थी, ऐसी एक परिस्थिति है। बाबा साहब ने
पट्टी श्री रामनु को श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश बनाने से कांग्रेस पार्टी ने पुण्यदान कर दिया है, पुण्यदान जो होता है वो पुण्यदान कर दिया है, ऐसी एक परिस्थिति है। मतलब यहां एक राज्य बनाने के लिए किसी को बलिदान देना पड़ता है और बलिदान के बाद ही यहां पर राज्य बनते हैं, ऐसी एक परिस्थिति है। वही बात बाद में 40 साल बाद आई, तेलंगाना का सवाल आया। आज तेलंगाना राज्य बन चुका है और एक नई दिशा, एक छोटे राज्य यहां पर दिखाई दे रहे, ऐसी एक परिस्थिति है। आपको वेलफेयर स्टेट की अगर संकल्पना, वेलफेयर स्टेट की अगर संकल्पना आपको मंजूर करनी है तो राज्य छोटे होने, ये जो बाबा साहब की डिमांड थी वो आज मेरे ख्याल से कई राज्यों में मांगी जा रही है। और इस अवसर पर मैं ये कहूंगा कि व्यवस्था ही बाबा साहब को यहां पर जिंदा रखती है, ऐसी एक परिस्थिति है। व्यवस्था ही यहां पर जिंदा रखती है, ऐसी एक परिस्थिति है।